जहां एक तरफ प्रदेश में बढ़ते घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं राजनीतिक गलियारों में सियासत भी बढ़ती जा रही है। नए साल का पहला घोटाला 8 जनवरी को लेखपाल और पटवारी भर्ती परीक्षा में देखने को मिला। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UK SSSC भर्ती घोटाले के बाद लोक सेवा आयोग को पारदर्शी बताते हुए परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाने का फैसला लिया था, जिस पर लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाले ने चारों तरफ खलबली मचा दी। जब इस घोटाले की तफ्तीश होने लगी तो 2015 के लोक सेवा आयोग द्वारा ही करवाया गया दरोगा भर्ती में हुआ घोटाला भी सामने आ गया, जिसके बाद 20 दरोगाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया। भाजपा इसे कांग्रेस के वक्त का हुआ भर्ती घोटाला बोलकर अपना पल्ला झाड़ रही है और इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उसमें 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया और मैं आज आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं और मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं कि दरोगा भर्ती तो आज मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कांग्रेस के जमाने की है। हाँ, हमारे जमाने की, और उस समय मैं गृहमंत्री था, मुझको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, सरकार में साहस है। लोकसेवा आयोग भी कटघरे में खड़ा है और हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इसकी जड़ें लोक सेवा आयोग तक पहुंच चुकी हैं। पटवारी परीक्षा में जिस तरह से लोक सेवा आयोग के कर्मचारी अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, साक्ष्य सबूत प्राप्त मिले हैं और उनके घरों से धनराशि पैसा भी मिला है, तो पर्याप्त सबूत हैं।